करने जा रहा था, जबान चलाएगा। अरे मैम, आप ये क्या कर रहे हो? आते ही उसे मारना शुरू कर दिया, कम से कम पूछिए तो कि वो यहाँ क्यों बैठा है। सर आपको नहीं पता, मुझे अच्छे से पता है क्या हुआ है। इसे होमवर्क मिला होगा, किया होगा नहीं इन्होंने, इसलिए कोचिंग नहीं गया, और ताकि मुझे ना पता चले इसलिए घर नहीं आया। तुम्हारी मम्मी सच कह रही है? बेटा तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा शांत हो जाओ, मुझे सच सच बताओ कि तुम ट्यूशन से घर क्यों नहीं गए। सर वो कुछ हफ्ते पहले ट्यूशन वाले सर ने मम्मा को कोचिंग सेंटर बुलाया था, और फिर देखिए मैडम, ईशान बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। इसे सिंपल मैथ और फिजिक्स के फॉर्मूले तो समझ में नहीं आते, और तो और होमवर्क भी नहीं करके आते। सर मैं तो थक गई उसकी कंप्लेन सुनते सुनते। इसके स्कूल टीचर्स का भी यही कहना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप बताओ, आप भी कोई सोल्यूशन दो। देखिए मैडम, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। कुछ बच्चों को सीधे तरीके समझ में नहीं आते, तो उन्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। ठीक है सर, आपको जो स्टेप लेना है आप लो, बेफिक्र होके लो, मेरी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। बट प्लीज इसे पढ़ा दो, मैं नहीं चाहती 9th में भी फेल हो जाए। ठीक है, मैं इसे कल से प्राइवेट ट्यूशन दूंगा, शाम को 5 बजे से मेरे पास भेज देना। ठीक है सर, चलिए मैं चलती हूँ। ठीक है, चलो चल। होमवर्क दिखाओ। सुनाई नहीं दिया? होमवर्क दिखाओ। आज भी होमवर्क नहीं किया? सर मुझे नहीं समझ आती अलजेब्रा, और ऊपर से आप डबल होमवर्क दे देते हो। खड़ा खड़ा हो, हाथ आगे। सर मुझे नहीं समझ आती, तो मैं क्या करूं सर? जुबान लड़ाते, हाथ आगे कर। मुझे ना ये सारा होमवर्क कंप्लीट चाहिए, और अगली 2 एक्सरसाइज भी, समझा? और अब ये काम कर। जाना ट्यूशन, सर बहुत मारते हैं। अरे पढ़ाई नहीं करेगा तो मारेंगे ही ना। अब यहाँ ना खड़ा खड़ा नाटक मत कर, बैग उठा और ट्यूशन निकल, नहीं तो मैं मारूंगी। पर मम्मी। चल निकल। और अगर मैं फिर से कोचिंग सेंटर जाता तो सर फिर से मुझे मारते, और मम्मी को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि ना मैं कोचिंग सेंटर जाऊंगा और ना ही घर। मैं बस पढ़ना चाहता था, अपनी मम्मा को प्राउड फील कराना चाहता था, और ट्यूशन वाले सर मुझे अच्छे से समझाने के बजाय मुझे बस एक्स्ट्रा होमवर्क देते रहते हैं, और होमवर्क ना करने पर मैम आप जब यहाँ आई और बिना इससे कुछ पूछे सीधे इसे मारना शुरू कर दिया, मैं तभी समझ गया था कि इसने घर से भागने का डिसीजन क्यों लिया। मैं ऐसे फोर्स करके मार पीट के आप इसके मार्क्स नहीं बढ़वा सकते, बल्कि आप इसे खो दो। आप सही बोल रहे हैं सर, मैंने हमेशा इसे पढ़ाई के लिए फोर्स किया, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसे क्या पसंद है, इसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी पसंद क्या है। मैं बस उसे फोर्स करती रही पढ़ने के लिए। ईशान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। सॉरी मम्मा, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। नहीं बेटा, परेशान तो तुम्हें मैंने किया है, और अब से तुम्हें उस ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद छुट्टी लेकर तुम्हें पढ़ाऊँगी। सच्ची? मैम आप लोग को अब घर जाना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर आज आप नहीं होते तो मैं आज भी इसकी प्रॉब्लम सुनने के बजाय इसको ब्लेम ही कर रही होती। कोई बात नहीं मैम, ये तो मेरा फर्ज था, और तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू, चलें। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।